भारत और चीन के बीच हुए समझौते के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख से सटी LAC से डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया है। शुरुआती दौर में पेगोंगसो लेक के उत्तर और दक्षिण से दोनों देशों की सेनाओं ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। इस बीच पेगोंगसो झील के दक्षिण से चीनी सेना के टैंक पीछे जाने का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में दोनों देशों के सैन्य कमांडर समझौते की मेज पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्रवार को दोनों देशों के कमांडर्स पिछले 48 घंटे के दौरान हुए डिसएंगेजमेंट की समीक्षा करेंगे। करीब 1 मिनट 14 सेकंड के इस वीडियो में चीनी टैंक पीछे जाते दिखाई पड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो पेगोंगसो लेक के दक्षिण में रचिनला दर्रे का है, जहां बुधवार को सबसे पहले चीनी सेना के टैंक पीछे अपनी सीमा की तरफ जाते दिखाई पड़ रहे हैं। ये चीन की PLA सेना के T-96 टैंक है। इस वीडियो में एक के बाद एक चीन के 3 T-96 टैंक मुड़कर पीछे जाते दिख रहे हैं। इसके बाद भारतीय सेना का एक T-90 टैंक भी पीछे लौटता दिख रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि LAC के इस इलाके में दोनों ही सेनाओं के टैंक और आर्मर्ड कैरियर व्हीकल्स का बड़ा जमावड़ा है और बेहद करीब ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच में कुछ ही मीटर की दूरी है। सूत्रों की माने तो क्योंकि पेंगोंगसो लेक के दक्षिण यानी कैलाश हिल रेंज के रेचिनला दर्रे इत्यादि पर बड़ी तादाद में टैंक आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, इसीलिए वहां पर पूरी तरह डिसएंगेजमेंट के 10 से 15 दिन का वक्त लग सकता है। सूत्रों की माने तो पेंगोंगसो लेक के उत्तर में जो फिंगर एरिया का इलाका है, वहां से भी दोनों देशों की सैनिकों ने थिनिंग यानी कम होना शुरू कर दिया है। लेकिन क्योंकि डिसएंगेजमेंट फेज्ड कोऑर्डिनेट और वेरीफाइबल तरीके से होना है, इसीलिए यहां भी दोनों देशों की सेनाओं को पूरी तरह से पीछे जाने में 1 हफ्ते का समय लग सकता है। सूत्रों की माने तो डिसएंगेजमेंट के इसी लिए भी वक्त लग सकता है क्योंकि समझौते के मुताबिक दोनों देशों को LAC की फॉरवर्ड लोकेशन से सभी तरह के निर्माण कार्यों को भी हटाना होगा और अप्रैल मई 2020 की स्थिति में आना होगा।